हेलो गाइस, आई एम मित परमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल का यूट्यूब ट्रिक्स। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपका यूट्यूब यूज़ करने का तरीका डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो फ्लोटिंग वीडियो के बारे में है। अगर आपको यूट्यूब के अंदर से फ्लोटिंग वीडियो करना है तो आपको YouTube का प्रीमियम मेंबरशिप ख़रीदना होगा, तभी जाकर आप यहाँ पे YouTube के अंदर फ्लोटिंग नोटिफिकेशन या फिर फ्लोटिंग वीडियो है वो इनेबल कर पाएंगे। लेकिन यार कौन YouTube का प्रीमियम लेता है। और कमाल की बात तो इस ट्रिक के बारे में ये है कि आपको फ्लोटिंग स्क्रीन को रिसाइज करने को भी मिलेगा। अपने YouTube वीडियोस को फ्लोटिंग स्क्रीन में देखने के लिए आप यहाँ पे प्ले स्टोर पर फ्लोट्यूब सर्च कीजिए और ये जो ऐप मैं दिखा रहा हूँ वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बस आपका यूट्यूब हो गया फ्लोटिंग, यहाँ पे YouTube हो गया। बस इस ऐप के अंदर से अब आपको YouTube ओपन करना है और इन्जॉय कर सकते हैं आप फ्लोटिंग YouTube। रिसाइज वाला फीचर यहाँ पे सबसे बेस्ट है, दूसरी कोई भी ऐप में ये ऐप यहाँ पे ये फीचर नहीं मिलेगा आपको। ये रिसाइज करने के बाद आप वीडियो को देखते समय दूसरी कोई भी ऐप अपनी यूज़ कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर टू के ऊपर। तो यहाँ पर ट्रिक नंबर टू हमारी है यूट्यूब की एड्स के बारे में। अब YouTube में लगातार बड़ी बड़ी एड्स देना चालू ही कर दिया है एकदम से। अब मोस्टली एड्स यहाँ पे 30 सेकंड के आते हैं जो कि आपको पूरी की पूरी देखनी पड़ती है। कई बार तो मूवी ट्रेलर्स भी पूरे पूरे आ जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा डेटा और टाइम दोनों वेस्ट हो जाता है इससे। तो आपका डेटा और टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पर एक काम आने वाली ऐप है उसे डाउनलोड कर दीजिए। जस्ट प्ले स्टोर खोलिए और सर्च कीजिए स्किप एड्स। यहाँ पे स्किप एड्स ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और आपका काम हो गया। आप अब कभी भी यूट्यूब की लॉन्ग एड्स देख नहीं पाएंगे। ये ऐप ऑटोमेटिकली उस लॉन्ग एड्स को यहाँ पे स्किप कर देगा और यहाँ पे सारे के सारे आपका डेटा और टाइम बच जाएगा। तो अगर ये डेटा और टाइम बच गया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उस डेटा और टाइम की मदद से। तो यहाँ पर थर्ड ट्रिक हमारी है वो है MP3 के बारे में। यहाँ पे YouTube के अंदर MP3 का फीचर नहीं मिलता है और यहाँ पे म्यूज़िक सुनने के लिए हमें YouTube म्यूज़िक अलग से ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो कई बार हमें अलग से ऐप डाउनलोड करनी नहीं होती और एक दो गाने ही बैकग्राउंड में सुनने होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जस्ट अपना YouTube ओपन कीजिए क्रोम के अंदर, फिर कर दीजिए उसे डेस्कटॉप साइड और फिर आपको जो भी गाना सुनना है वो गाना को यहाँ पर प्ले कर दीजिए। प्ले करने के बाद उस गाने को पॉज कर दीजिए। यहाँ पर अपनी रिसेंट स्क्रीन में जाए, फिर नोटिफिकेशन को स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे गाने को प्ले कर दीजिए और आपका गाना बैकग्राउंड में बजता रहेगा क्रोम के अंदर और आप कोई भी ऐप में अपना काम कर पाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब हो गया, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड वॉइस के अंदर। अगर कोई वीडियो देख रहे हो और उस टिप्स को फॉलो करना है अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स के में जाके तो भी ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आने वाली है। यहाँ पर थी ना कमाल की ट्रिक। ये भी हमारी अगली ट्रिक है फॉन्ट्स के बारे में। यहाँ पे आप कई बार देखते होंगे कि YouTube के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे बोल्ड में लिखा होता है या फिर कोई अजीब से फॉन्ट के अंदर कमेंट लिखे होते हैं, वो एट्रैक्टिव कमेंट लगते हैं आपको। आप उस कमेंट को लाइक भी कर देते हैं। कई बार तो जो आपका फेवरेट क्रिएटर होता है वो भी उस कमेंट को लाइक कर देता है क्योंकि वो कमेंट सारी कमेंट से अलग दिख रही होती है। तो यहाँ पे ये करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है फैंसी फॉन्ट्स जनरेटर। फैंसी फॉन्ट जनरेटर सर्च करने के बाद आप कोई भी यहाँ पे वेबसाइट में से कोई भी एक वेबसाइट को चूज़ कर दीजिए और उस वेबसाइट में अंदर जाके आप यहाँ पे कमेंट लिख दीजिए। कमेंट लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे फैंसी फॉन्ट्स के अंदर वही कमेंट लिखी आए होगी। कोई भी कमेंट को कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे अपने फेवरेट यूट्यूबर के यूट्यूब वीडियो में जाके यहाँ पे कमेंट को पेस्ट कर दीजिए और आपकी कमेंट हो जाएगी फैंसी फॉन्ट वाली कमेंट। तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो मेरे वीडियो के अंदर ही यहाँ पर फैंसी कमेंट करके ट्राई कर लीजिए कि ये बढ़िया से चलती है या फिर नहीं चलती ये ट्रिक। और यहाँ पर हमारी ट्रिक नंबर 5 है यहाँ पर GIFs के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे YouTube के कोई भी वीडियो में से कितने भी सेकंड का आप GIF बना सकते हैं जस्ट एक क्लिक के ऊपर। यहाँ पे YouTube वीडियोस टू GIF गूगल पर सर्च करना है और कोई भी एक लिंक आपको ओपन कर देनी है। बाद में उस YouTube वीडियो के यहाँ पे लिंक को आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आप कितने भी सेकंड का कस्टम GIF बना सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर वीडियो का और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में उसे शेयर कर सकते हैं। थी ना कमाल की ये ट्रिक।
तो अब जो लास्ट की दो ट्रिक है वो यूट्यूबर्स लोग के लिए होने वाले हैं। अगर आप यूट्यूबर है तो आपको टैग्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंस पता ही होगा, टैग्स कितने ज़रूरी होते हैं यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक टैग्स यू करके एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के अंदर, या फिर कोई भी टैग्स यू करके एप्लीकेशन होगी, बहुत सारी एप्लीकेशन है, सबका काम है कि यहाँ पे ये आपको अपने थंबनेल और अपने टाइटल के हिसाब से टैग जनरेट करके देगी। और मैं इसी ऐप्स का यूज़ करता हूँ, ये ऐप की मदद से यहाँ पे आपका जो टैग होगा वो एकदम ऑप्टिमाइज हो जाएगा और यूट्यूब सर्च में आपका वीडियो ज़रूर ही दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि टैग अगर ऐड करने हैं तो कोई भी इस टैग्स वाले एप्लीकेशन से ही अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर टैग्स ऐड कीजिए। और यहाँ पे लास्ट जो है वो है थंबनेल के बारे में। यहाँ पे यूट्यूब में थंबनेल बहुत ही यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा तो ये लोग आपका वीडियो देखेंगे। तो आपको थंबनेल अगर अट्रैक्टिव बनाना है तो थंबनेल मेकर करके एक एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल कर दीजिए अपने फ़ोन में। वहाँ पे आपको रेडीमेड थंबनेल बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे देखिए आप देख सकते हैं, बहुत सारे रेडीमेड थंबनेल आपको मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, अपने थंबनेल का नाम और यहाँ पे फ़ोटो को चेंज कर देना और बन जाएगा आपका एकदम बढ़िया सा थंबनेल तैयार। तो आया ना मज़ा इस वीडियो में? अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब के ट्रिप्स और ट्रिक्स को शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।